हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज किस व्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गांव का एक खूबसूरत सा सुंदर सा मदरसा, जहाँ से हमने अपनी एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट की थी। जब हम छोटा हुआ करते थे, 4-5 साल के थे, तब हमारे पेरेंट्स पहली बार हमको पढ़ने के लिए इन मदरसों में छोड़ के गए थे। तो साथियों, ये वो मदरसा है जिस मदरसे से हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। और पहली बार जब हम अपने जीवन में पढ़ने के लिए जिस जगह पर गए थे, तो साथियों ये वो खूबसूरत सी जगह है हमारे गांव का उर्दू मदरसा। यहां से हमने अपनी एजुकेशन की शुरुआत की थी। देखिए कैसे छोटे छोटे मासूम से बच्चे इस मदरसे की साफ़ सफाई करते हुए झाड़ू लगा रहे हैं। और ऐसा होता है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम भी अक्सर ऐसे ही करते थे। जब हमारे उस्ताद मोहतरम हमको बोलते थे कि बच्चों स्कूल की मदरसे की सफाई करो, तो हमें कोई भी संकोच नहीं होता था, हमें किसी चीज़ की एजिटेशन, किसी चीज़ की शर्म नहीं आती थी अपने मदरसे में, अपने स्कूल में सफाई करते हुए। जैसे बच्चे कर रहे थे, हम भी ऐसा ही करते थे कभी। तो ये हमारे गांव कुसेदर का उर्दू मदरसा है। आप देखिए कितना सुंदर सा, कितना खूबसूरत सा मदरसा। और जब से हम कभी छोटा हुआ करते थे, तब से मदरसा आज भी हमें ऐसा ही लगता है। जब हम यहाँ पे घूमने आते हैं, इसको देखने आते हैं, तो कि हमने यहाँ पे अभी शुरुआत की है अपने पढ़ने की, ऐसा फील होता है। क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं, 20-25 साल हो चुके हैं अभी यहाँ पे पढ़े हुए। जब हम कभी अब से 20-25 साल पहले यहाँ पे पढ़ा करते थे, तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तब से लेकर अब इस मदरसे में काफ़ी डेवलप है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब जैसा अब आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिए, वज़ू खाना भी पिछले कुछ सालों से ही बना हुआ है। कुछ पार्किंग वगैरह भी आप देख रहे हैं मदरसे के अंदर। यहाँ पे कुछ फूल पौधे बोए जाते हैं। ये मदरसे का मेन गेट है, जो कि अभी बन के तैयार हुआ है। अब इसकी चार दीवारी भी की गई थी, पहले इतनी बड़ी चार दीवारी नहीं थी। देखिए ये वो सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये वो पॉइंट है, ये वो क्लासरूम है जहाँ पर मैं पहली बार पढ़ने के लिए गया था। देखिए ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाला जो फ्लोर है, ये हॉल रूम जो आपको दिखा, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने जीवन में पहली बार किसी मदरसे में, किसी स्कूल में गया था पढ़ने के लिए। और ये वही जगह है जहाँ पे मैं बैठा था। अब बराबर में इसके मस्जिद भी है, मदरसे की जो मस्जिद है देखो कितनी सुंदर चमक रही है। और ये यहाँ पर डीप फ्रीज़र लगा हुआ है पानी को ठंडा करने के लिए। ये वज़ू खाना है, यहाँ पर क्या है, वज़ू करते हैं। तो मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है, अंदर से अगर आप देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगी। ये पूरी वो कैंपस है जहाँ पे हम पढ़ा करते थे, हमारे उस्ताद हमको पढ़ाते थे। उर्दू से हमें अपने जीवन की शुरुआत की थी, ठीक है। साथ में खाली जगह पड़ी हुई है, ये देखो ये वो है, पहले इसको हौज कहा करते थे, हम इसको हौज बोलते हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता था, लेकिन अब फ़िलहाल पानी आपको नहीं दिख रहा है। और ये मस्जिद का दूसरा साइड है, यहाँ से आप मस्जिद का दूसरा एंगल देख सकते हैं। तो ये मस्जिद है, एक मदरसे तो बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा हमारा गांव का ये मदरसा है, उर्दू मदरसा। यहाँ से हम अपने जीवन की शुरुआत की पढ़ाई की। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कूल। तो ये है हमारे गांव का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जूनियर हाई स्कूल। यहाँ पे हमने हिंदी की पढ़ाई की थी। मैंने अपनी फर्स्ट से लेकर और टेंथ क्लास तक की जो पढ़ाई की है, मैंने इसी स्कूल के अंदर की है। और इसी स्कूल का नाम है हमारे गाँव का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जूनियर हाई स्कूल। मरहूम मौलाना अकबर साहब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपनी मेहनत के दम पर इस मदरसे को, इस स्कूल को बनाया था। और आज ये उन्हीं की देन है। वे तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक यादगार कुछ पल, एक खूबसूरत सा स्कूल मदरसा छोड़ के गए। और इस मदरसे का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जूनियर हाई स्कूल। आप इसको स्कूल भी कहे, मदरसा, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही चीज़ें चलती है। उर्दू की पढ़ाई भी चलती है, साथ साथ हिंदी भी पढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ से हिंदी की पढ़ाई कंप्लीट की थी, अपनी टेंथ क्लास तक मैंने पूरी अपनी मैट्रिक यहीं से पास की। और पास आउट हो गए, हम बाहर पढ़ने के लिए गए। तो आप देखो ये हमारे गांव का खूबसूरत सा स्कूल मौलाना अबुल कलाम आजाद जूनियर हाई स्कूल है। तो मैंने आपको दिखाया, मदरसा दिखाया अपने गाँव का। यह स्कूल है मौलाना अबुल कलाम आजाद जूनियर हाई स्कूल, जो बनाया गया था मौलाना मरहूम अकबर साहब जी के द्वारा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे गांव के लिए एक ऐसी सौगात देके गए। तो जो तमाम उम्र हमारे गांव के बच्चे इस स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल करते हैं। तो ये वो स्कूल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जूनियर हाई स्कूल, जहां से हमने अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम की पढ़ाई शुरू की थी, अपना स्कूलिंग शुरू किया था।
और मदरसे से हमने अपनी उर्दू की पढ़ाई शुरू की थी। तो ये दोनों चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं इसको दिल से बहुत करीब मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा सर्वश्रेष्ठ और सबसे खूबसूरत अगर कोई गिफ्ट होता है किसी चीज़ के लिए होती है एजुकेशन। तो इस स्कूल ने और इस मदरसे ने हमें एजुकेशन दिया, हमें इल्म दिया, तो ये हमेशा तमाम उम्र हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहेगी। तो साथियों, आपको हमारे गांव का मदरसा स्कूल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।